गणपति विसर्जन के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दो नावों को जोड़कर गणपति विसर्जन के लिए तालाब के अंदर पहुंचने पर नाव पलट गई। इसमें डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को सकुशल बचा लिया गया। छोटी नाव पर करीब 20 लोग सवार थे। हादसा भोपाल के खटलापुर घाट पर हुआ। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत तमाम सियासी दलों के नेताओं ने दुख जताया है और साथ ही मृतक के परिवार वालों के लिए 11 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही नगर निगम ने भी मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है, यानी मृतकों के परिजनों को 13 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही राज्य सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ साथ हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करी है और 11 लाख रुपए हर परिवार को हम देंगे। इसकी पूरी तरह स्पष्ट इंक्वायरी होगी कि कौन दोषी है, और जो खबरें आ रही हैं कि किस प्रकार से इतनी बड़ी मूर्ति को इजाज़त दी एक ऐसी नाव में जहां दुर्घटना संभव थी। जो नगर निगम के अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी, जिनको भी इसके लिए इंचार्ज बनाया गया था नोडल, इन सब पे कार्रवाई होगी और मैं समझता हूँ तुरंत होगी। और बड़े से बड़ा अधिकारी भी इसमें छूटेगा नहीं। पूरी मांग उसकी पूरी चारों तब से है, क्योंकि दो नावों के अंदर, दो नाव में इतनी बड़ी मूर्ति ले जाने की अनुमति दी कैसे? और इस हाँ, और हम अब इस बात की भी मांग करेंगे कि ये जो मूर्तियाँ बनती हैं, चाहे देवी जी की बने चाहे गणेश जी की, ये इसकी साइज छोटी करने की मांग चारों तरफ से आ रही है कि साइज छोटा हो। और दूसरा, रात के 12 बजे के बाद विसर्जन नहीं होना चाहिए। भोपाल नाव हादसे के बाद पूरे राज्य में गम का माहौल है। राज्य के मंत्री और नेता सभी पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता राय भी पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची। उन्होंने मृतकों को परिवारों को ढांढस बंधाया और हादसे में मारे गए लोगों पर दुख व्यक्त किया। दर्दनाक हादसे के बाद परिवार वालों को सांत्वना देने राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री जयवर्धन सिंह उनके घर पहुंचे। जयवर्धन सिंह ने कहा कि इस दुखद घड़ी में पूरा मध्य प्रदेश इन परिवारों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि घटना की पूरी तरह से जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख जताया है। भी इन परिवारों को 11 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, साथ में 2 लाख रुपए नगर निगम की तरफ से भी इन परिवारों को दिए जाएंगे। इसके साथ में मैं को आश्वासन देता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार उन सभी 11 परिवारों के साथ में जिंदगी भर खड़ी है। जो भी इसमें लापरवाही हुई है उन पर जांच की जाएगी। 4 जो नौ चालक थे उन पर FIR दर्ज की गई है और इसके अलावा मैजिस्ट्रियल जांच का भी आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भगवान की भक्ति में डूबे हुए हमारे 11 बच्चे दुर्घटना में चले गए हमें छोड़कर। हम दुखी परिवारों का कष्ट जान सकते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। दरअसल भोपाल में छोटा तालाब के खटलापुर घाट पर शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे गणेश विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही दो नाविकों पर केस भी दर्ज किया गया है। मरने वालों में पिपलानी के 100 क्वार्टर के रहने वाले थे। दरअसल दो नावों को आपस में बांधकर इनके बीच में मंच बनाकर विसर्जन के लिए प्रतिमा रखी गई थी। नाव पर 20 लोग सवार थे। सभी की उम्र 15 से 25 साल के बीच थी। कोई भी लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए था। प्रतिमा विसर्जित करते वक्त एक नाव पलटी तो लोग दूसरी पर कूद गए। संतुलन बिगड़ने के चलते दूसरी नाव भी डूब गई। वहीं इस पूरे हादसे ने
प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए। विसर्जन की तैयारियों का जिम्मा नगर निगम का था और सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हो गई, इसकी जांच की बात की जा रही है। FIR हुई है दो लोगों के विरुद्ध, जो सबसे पहले जिनकी गलती थी उन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनके विरुद्ध FIR दर्ज की। जी बिल्कुल, नाव प्रतिबंधित कर दिया गया है आज से ही और अब इस तरह के विसर्जन में नाव का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। मैसेरियल जांच पूर्ण होगी, अगर किसी की जो भी कमी निकलती है उसके विरुद्ध प्रतिबंधित कार्रवाई की जाएगी। क्या कमी सर, कहाँ रह गई, किस तरह की? अभी मैसेरियल जांच है कि पूर्ण होगी, उसमें सारी तथ्यों का हम लोग लेख करेंगे, बाकी भी जो है वहाँ पे जो चूक हुई है उसकी समीक्षा करेंगे।